सृष्टि तू एक काम कर अब्बू बेटा। हाँ मम्मा, वो घर गए बाड़े ना करण और ऋषभ, उनका देख के आवा की होश आयल की ना। जा जा एक बार जाके पता करावा जा। मम्मा हमरा की तो आपके चिंता हो रहा बा, कहीं सब टेंशन की वजह से आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। एक काम करिए आप घर जाइए और आराम करिए और आप वो दोनों से भी मिल ले। हाँ हम यहाँ पे सब संभालता नहीं। मम्मा भगवान के लाख लाख शुक्र बाकी ये दोनों के होश आ गए। सच में समझ में ना आ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा कर। अपन जान पे खेल के तू दोनों हमारे बच्चे के बचा ले लस, ये एहसान हम जिंदगी भर ना भूलब। हम आपकी एक बात बताई, आप ऐसा एहसान वाला बात ऐसे बिल्कुल भी मत कर। अगर आप हमरा के आपन समझे नहीं ना तो हमने के साथ ऐसा बात मत बोली प्लीज। यप ये बिल्कुल थैंक यू एहसान, कौनो भी बात मत करी। हाँ बस हमारे को छोट से काम कर दी ना, ये प्रीता के मुंह से हमरा खातिर सॉरी बुलवा दी ना प्लीज। अरे काहे काहे मतलब, तू अंदर देख लेना का कुछ भेल यार, हमरा पे रोब झाड़त रहली, पिज्जा भी ना खाए देली हमरा के, कोनो गेम भी ना खेले देली, हिटलर बन गेल बड़ी आजकल ही। अबे हिटलर तो के छसे पीटी तहत पटाई करी तहार हाथ में बहुत चलत बा, बांध के रख दे बोके। हाँ भाई समय तू तू घर ना गईले का करी भाई, अब जा ही ना सकनी। काहे अब हमार मतलब कि आप सब लोग यही जा रहा नहीं था, आप लोग के छोड़ के कहाँ जाई थी। ओ समीर समझदार हो गई बा। हाँ माँ। हाँ आप हम क्या आपसे कुछ बात करेंगे। जो हमें बात करेंगे बाद में करिए, हम पहले अंदर हो क्या बतानी। कहाँ अंदर जा रहा नहीं, हम वो चलते। ना ना तू यहीं रहा और सृष्टि तू यहाँ पर रहिया। करण बेटा जरा एकरा पकड़ के रहिया। हाँ आजकल हमारी बातें ना सुनेली, बस अपन मनमानी करेली, एकदम सृष्टि जैसन हो गई बड़ी। हम अंदर अंदर से हो क्या आता नहीं माँ, हम करी ना हम आता नहीं, तू दोनों ही रोके हम आता नहीं। अरे माँ, अरे माँ ऐसा काहे कहली, अभी पूछो थे। अरे कहाँ जाता रू यार, आंटी हमसे कली की तरह कहूँ ना जाए दी, तू इधर रुका बस। ऋषभ जी आपके भाई इतना बड़ नमूना काहे बा, मतलब आपके जैसा स्वीट एंड नाइस नहीं हो सकेला, एकरा इतना बड़ा डफर होवे के रहे। शुक्र मानो कि हम अपन भाई की तरह नहीं की, न तो तू हमके काबू लेती। करण जी और हम तेरा काबू लेती टम्बो टफर प्रीता जी, नो वेज ओके हम और तो के जी। अरे यार आप लोग कबो नॉर्मल बिहेव कर सके लखा, और दिया बोल रहल बनी करण सर अपन जान जोखिम में डाल के आपके खातिर आग में कूद गेल रहनी, आग में। एग्जैक्टली एहसान फरामोश लड़की, एहसान मारल तो दूरी हमरा चेस्ट पे इतना जोर से मर ली यार, हमरा सिक्स पैक एब्स में अगर क्रैक आ जाता का पता एकर मर्डर के इरादा रहे। हां करण। हां भाई लिया लिसन, हम एकर एफआईआर रिपोर्ट नहीं की करत। देखा प्रॉब्लम ही ओके ई हमार फैन सृष्टि के बहन बाड़ी और हमने के चाह फैन के बहन के केहू गिरफ्तार करे ई खातिर बस, यू नो राइट सृष्टि। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टू सृष्टि, तू हमार बहन बाड़ू की। हां दीदी आगे मत बोलिया कि मैम करण सर के बहन बनी। ओके फाइन। हां थैंक यू दी, आप बहुत समझदार हो गेल बनी। ई करण के काहे इतना पसंद करे ले। वैसे ऋषभ जी आपके ना लगेला कि करण सर अपन पूरा लाइफ में आज बहादुरी के काम के लिए बानी, मतलब एकदम डेयर डेविल उलन गट्स टाइप। हाँ हम खुद भी हैरान बानी कि ये हमारे छोटा भाई जो घर में पानी के ग्लास ना उठावेला केहू के ऊपर जान छिड़के के तैयार हो गई। सुन लू तू हमारे भाई का कहले, सुन लू तू। हाँ इतना डेयरिंग कहनी, इतना मुसीबत के सामना कहनी, लेकिन ये लड़की के उन्होंने कदर ही नहीं किया यार। ऐसी बात ना बाप, आई डू रियलाइज एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। वैसे सिर्फ थैंक यू से काम ना चली ता? एगो किस। भगवान पूरा का पूरा हॉल जल गए, कुछ भी ना बचा। आप कहो कि कैसे करें हम प्रीता की शादी। हे भगवान सल्ला मे
जी, कुछ बिना बचन बीजी सब कुछ चल गए। अब हमने कैसे करम, कहा करम बीजी? पिता की शादी कैसे हुई बीजी? सब कुछ चल गए बीजी, सब ठीक हो जाए, जानकी ना मिलल। ओ हाँ अभी जी उस जानकी हम पता करा था नहीं। हाँ ठीक बा। अरे एक मिनट हमार बात सुनी ना, हम आपके तब से बोल ले रहे ना कि जानकी के खोजी, वो हमारे घर के, वो अभी तक ना मिलल बड़ी, आप जरा जल्दी ढूंढी ना होकर के। आप हौसला रखिए, हमने की अपना तरफ से पूरा कोशिश करा था, आपके जानकी की खबर भी कुछ ही देर में मिल जाए। जरा ढूंढवाई ना करे बस ठीक हो गए। आप जरा जल्दी करो। सब लोग बच गए, हमारा मतलब बाकी मिस्टर ऋषभ लूथरा और क्रिकेटर करण और आपके बेटी प्रीता, तीनों बच गए लोग, खाली एक बंदा की वजह से। के केहू पृथ्वी नाम के बंदा बा, जेकरा वजह से बचल बल। मतलब आपने की जाना तो करा के? एक मिनट पृथ्वी जी। जी ऑफिसर। अरे तनिये ने तो आई जी। जी इंकरा से मिली ई बाड़न मिस्टर पृथ्वी, बड़ा नेक आदमी बाड़न, और आज जे हमनी खातिर सबसे मददगार साबित भइल ये जनाब रहुअन। सबसे पहले यहाँ के हमनी के हॉल के रास्ता समझौनी, इतना अच्छा तरीके से समझौनी कि हमनी के वक्त से पहुंच पाईनी, और फिर आग भड़कला के बाद किचन के लोकेशन बतेलन, बहुत मदद कर ले बढ़नी हमने के, कहे कि एजा तो इतना भगदड़ मचल रहा है कि अगर सही वक्त पे हमने के ना पहुंचती सन तो करण ऋषभ और आपके बेटी प्रीता के ना बचा पाती सन। अगर हमारा जगह की और रहे तो वो ये करे ऑफिसर, हमार मंगेतर अंदर फंसल रहे आग में, हम बस अपन फर्ज निभेनी और कुछ ना, लेकिन अब ये सब बात आंटी जी से कहे कहते हैं। जरूरत बा पृथ्वी जी, जरूरत बा। सरला जी हम तो यहाँ के आग में जाए खातिर मना करत रहनी, कहे की यहाँ ये सब के बारे में हमरा खुद जानकारी चाहे के रहल। ऑफिसर हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्लीज हमारा तारीफ कर बंद करें, और आप ये सब बात जिनका बतावत हैं हम ऑलरेडी इनका जानी ला, हम ये हमारे होने वाला सासू माँ भैया, और आपके होके वाली सासू माँ हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगत अड़ी, हम आपके कितना कुछ सुने नहीं, आप वो ऋषभ और करण प्रीता के बचावे जान रहे थे और आप वहाँ खड़ा रहे थे, हम आप पे हमरा के का पता रहे कि आपके अंदर जाए से आपके हमरा के बतावे की चाहत रहे। आंटी प्लीज आप ऐसा गिल्टी फील ना करें, आप हमके शर्मिंदा मत करें। आंटी जी हम जानते रहे कि आप बहुत परेशान रह ले, और यह वजह से आपके गुस्सा हम अपना ऊपर ले ले, और लेती भी कैसे ना, आप हमारे माँ समान हैं। सरला जी आप तो बड़ा खुशनसीब बनी कि पृथ्वी जी जैसे आपके दामाद बाड़न, और हम भी बहुत लकी बनी कि आपसे हमार मुलाकात भाई। सर हमके एक जन और मिलेला, जल्दी आई। हाँ जानकी हो यहाँ। चला कर मौत में हमने के जिंदगी सलामत बा पृथ्वी, लेकिन अगर वो जिंदा पड़ी तो हमने के किस्सा खत्म। अरे कहोगे आप सब हमके ऐसे कहे दिखता नहीं यार, किसी तो बहनी आने क्रस किस कैसे दिए तारा के? What you said you won't kiss? What rubbish is this? ओ गलत फहमी हो गई यार आप सबके, I want a baby kiss। यहाँ पे ना, यहाँ पे बकरी के नानी ये मम्मा मम्मा का करता रहूं। किस हमके एक किस चाहिए बस, दैट्स इट, इतना बड़ी सी कोई बना दरू तो भी कोनो शर्म वरम आवेला कि ना, कुछ भी बोल दे वाला सर उठा के हम। अरे कब होना करल लूथरा के, नेवर स्टॉप। ओके हम तो भुलाई गेल रहनी के कोनो लड़की के सामने खड़ा बनी प्रीता अरोरा, ठीक बा हमके तरह से कोनो किस्सा सुनना चाहिए, तू खुद भी ऑफर करबू ना तब बोना, और वैसे भी हमके तरह से कोनो किसी सुनना चाहिए, और तो हर जो नोट बना लिप्स बड़ा सूखा भेल बा ट्राई का। एक्सक्यूज मी हमार लिप्स ड्राई बा का? अच्छा तबा प्रीता जी आप कहाँ आकर बात के अंदर अपन समय बर्बाद करत नहीं, ये बेवकूफ है ऐसे नहीं बात करेला, चुप एकदम चुप बैठ, एकदम चुप बैठा। ओके सॉरी। ओ अच्छा करण सर के सॉफ्ट लिप वाला किस चाहिए, ये सॉफ्ट लिप के कर बा सोफिया के,
बिंगो। सोफिया, हाय सोफिया। कहा बात बा करण सर, दिल पुकार ले सर, चले ली वो सॉफ्ट लिप्स लेके। हाय करण, अब आई एम सो हैप्पी टू सी यू। न्यूज़ चैनल से पता चल फायर के बारे में, तू सब लोग ठीक तो बड़ा ना? आई एम फाइन। और हमके पता चलल तू गुरु लगी के बचावे खातिर फायर में गेल रहला। माय गॉड, सो ब्रेव। यू नो आज हम तोरा से इतना ज्यादा इंप्रेस है कि हम पुराना सारा बात भूल के तोरा से अभी के अभी शादी कर सकत है। आज ही, राइट नाउ। आई लव यू करण। तू जा यहां से। व्हाई? डेंजर, आग। तारा अगर कुछ हो गया तो हमार का होई। तू जा यहां से, हम तरह से बाद में मिलब, कल परसों, राइट? पक्का? यस, श्योर, ऑफ कोर्स बे। ओके, या बाय एवरीवन। बाय 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 सोफिया। बीजी जानकी होई। हाँ बीजी। हाँ हाँ जानकी, देखा जानकी, आँख खोला, आँख खोला जानकी। जानकी आँखें खोला। बीजी आँख नहीं खोला जानकी। जानकी हम जरा से कटाट देनी, तू नाराज हो के आँख ही बंद कर ले लू। अच्छा ठीक बा, हम आगे से बिल्कुल ना डांटब। चला जानकी, ये आँख नहीं खोलत बीजी। अरे भाई क्यों, डॉक्टर के बुलावा जानकी। काई जिंदा है? आंटी जी हमारा मतलब जानकी आंटी अपन आँख कहे ना खोलता रे। वे तो हम कर रहे हैं, इतना देर से जगावे की कोशिश कर रहे बनी लेकिन नहीं की खोलता। क्यों डॉक्टर की बुलाई ना जल्दी? हाँ, क्यों डॉक्टर की तो बुलाई है, पर डॉक्टर साहब आई 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 आई। देखी डॉक्टर, डॉक्टर ये देखिए, ये चोट लगा था इनकर इनका सर के ऊपर कुछ भारी चीज गिर गई है, ये वजह से। बिल्कुल सही कह रहे आप, चोट आयल है इनकरा, बड़ा हैरानी की बात है। ये औरत के किचन के बगल वाला कमरा बगल रहे, उसके बावजूद भी जरा सा भी न जलल। भगवान के लाख लाख शुक्र बा, ये तो चमत्कार हो गए ना। चमत्कार का तो पता ना, लेकिन कोनो ने एक ऊपर पानी फेंक ले और ये पानी किचन से फेंकल गया, जरा वजह से बार बार पूरी तरह भिगत रहे। हो सकेला पानी आपके बेटी फेंकले हो, कहे कि किचन में सबसे पहले उहे रहे, शायद आग बुझावे की कोशिश करते रहे। मतलब वह बीजी की प्रीता की वजह से जानकी बच गयी। हाँ सर, प्रीता की तो पता भी न हुई कि अनजाने में ही जानकी के जान बचा देली। लागत इनका सर पर भारी चीज गिरी के कारण बेहोश हो गए रहे और अपना आपके बचावे खाते इधर उधर भागत रहे। हाँ डॉक्टर, हम तो आपके यही कहते रहे अभी, और अब धुआं की वजह से बेहोश हो गए। हम किनका इंजेक्शन देवे का, पर हमारा मेडिकल बॉक्स आपके घर रह गए जल्दी में। इनका हमने के घर पे ही ले चल जा। हाँ, आप जरा मदद कर दी जानकी के घर ले जाए में। चली डॉक्टर साहब, आप भी चली। बीजी आई चली उठाए, आप लोग प्लीज मदद करें। हाँ जल्दी आ जाए, आप लोग प्लीज तनी बाहर हटे, ये जगह क्लियर कर दी ताकि हम पेशेंट के ठीक से ट्रीटमेंट कर सके। प्लीज श्योर श्योर श्योर, पेशेंट के आसपास भीड़ न लगाए ना, था मैं कर चेकअप ठीक से ना कर पाए। सरला जी आप चिंता मत करी, जैसे हमारा बच्चा ठीक हो गए रहे वैसे जानकी जी भी ठीक हो जाएं। हिम्मत रखी सरला जी, सब ठीक हो जाए। एकरा से ये लोग के इतना लगाव काहे बा? ओए ता वो भी एको नौकरानी से का मतलब बा? तू केकर बात कर रहल बाड़ो? हम तो सरला और राखी भाभी के बात कर रहल बानी। हमू तो सरला के बात कर रहल बानी, आफ्टर ऑल लोथरा के स्टेटस के सामने इस सरला के काबा बाड़ी तो आखिर मेड ही ना, ओकर प्रॉब्लम ओकर टेंशन हमने काहे फिक्र करी। बात तो सही बा जानकी आंटी। अरे जानकी आंटी, जानकी आंटी माँ काबिल मामा। वो फायर ब्रिगेड वाला बताई लो कि जानकी आंटी आगे बड़ी तो हमने सन के भागल चलाएंगी। ग्रेट, ये कुछ बोला तो नहीं कि डॉक्टर जानकी आंटी ठीक तो हो जाए ना? एक जो हम इंजेक्शन लगेनी है एकरा से धुआं के असर कम हो जाए, हमके लगे कि कुछ घंटा में या यूं कहीं तक कल सुबह तक इनकरा होश आ सकेला।
अगर इनका कल सुबह तक होश ना आए तो आप हमके तुरंत कॉल करे। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। माँ सब हमार वजह से भाई, सब हमार वजह से भाई। आप प्लीज स्ट्रेस मत ली। एक हालत हमार वजह से भाई, हमार वजह से भाई भाई कर हालत उखाड़ी रही रहूँ। हाँ हम उकरा से जाके कल्याणी की रसोई में जा खाना देखे गई ली और वो नाराज होके वही रसोई में बैठा लोग आग लगा लो गई धुआं हो गया लोकी लेकिन वो वही रह लो की हमार वजह से आज वो करी हालत भाई। और रितिका आपकी वजह से ना भामा आप ही तो कह लेना परिवार जैसा नहीं तब परिवार के लोगों से तब लोग जो खोवत रहे ना एमे आपकी कोनो गलती ना पामा। लेकिन हमरा के ऐसा ना बोले के चाहत रहे उकरा के का जरूरत रहे हमरा के डांटे के हम आराम से भी तो बोल सकत रहनी ना। ऐसा कुछ ना डांटे रहनी आप हमरा नहीं मां पता नहीं कब ठीक होगी। अरे मामा आप ऐसा काहे सोच रहल बानी काहे खुद के जिम्मेदार ठहरा बतानी आपके पता बा जान की आंटी के लाइफ सेव करे के जो क्रेडिट बना वो सब आपके जाला मामा काहे की आप ही रहनी जे रेस्क्यू टीम के बार बार कहनी की इनकर जान बचावे के वरना आप ना रहती तो बाहर तक ना आई थी मामा। ऐसा मत सोची मामा हमारे दिमाग खराब हो गए पहले हम एक डांट देनी और अब एक हालत हो गई और फिर पता ना काहे काहे अब पृथ्वी जी से अपन होके वाला दामाद से इतना बुरा तरीके से बात करनी हमने लागल की ऋषभ और करण आगे बढ़ के प्रीता की जान बचावे गए और आग में कूद गए और वो चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखत बड़े हम पृथ्वी की कितना सुननी कितना कुछ बोली और वो कुछ होना कले वो तो अच्छा बल की फायर ब्रिगेड वाला हमरा के बताले कि वो अंदर जाए चाहत रहे पृथ्वी जी अंदर जाए चाहत रहे लेकिन लेकिन वो लोग ही रोक दे ले और पृथ्वी जी की वजह से ही वो फायर ब्रिगेड वाला वहाँ पहुँच गए जहाँ प्रीता करण और ऋषभ रहे अगर ये मदद ना करते ना तो आप तीनों बची ना पाती। आंटी जी आंटी जी आप कैसन बात करते हैं आपके शर्मिंदा होवे के कोनो जरूरत नहीं है आप हमार माँ समान है एक खातिर आप हमरा पर चिल्ला सकेला डांट सकेला हमके कुछ भी बोल सकेले आपके पूरा हक भरेला आंटी जी जे भी भइल वो सब भूल जाइए आप प्लीज टेंशन मत ली। ई तो बड़ा अच्छा लड़का निकलो तहरा लगता कोनो गलतफहमी हो गेल होखी। ई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे Excuse me. आज आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजर पानी ना मालूम बा हमरा सब लोग घर पे वापस आ गए बा सब लोग ठीक बा और अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गए बा तो आप भी अपन सर से टेंशन हटा ली तनी देर खातिर आपके पता बा आपके तनी रेस्ट करे के जरूरत बा आप स्ट्रेस बानी ना तनी सा चाय पिए तनी सा आपके पता बा जब हम स्ट्रेस रहे नहीं तो तनी सा चाय पिए नहीं एकदम ठीक हो जानी सृष्टि हम अभी लाता नहीं। एक काम कराता नहीं हूँ जानकी के अंदर कमरा में ले जाता नहीं वहाँ आराम से लेट जाए जी, हाँ। चलो समय सिंधा का है छोड़ला उहे वक्त मार का है न डलला बेबी जस्ट टेक इट टेक इट इजी यार इतना हाइपर का है हो रहा लो एक सेकंड अपना आपके बहुत इंटेलिजेंट समझेला का कह ले रहा तू हमरा से कि आग के धीरे धीरे बढ़े देता नहीं हमने के थोड़ा फैमिली के साथ देखे के होखी हमने सेफ रहब ऐसे तू जाके वो आग के बुझेले रहला लेकिन ऐसा कुछ भइल ना वो जानकी बच गईली वो जानकी के बचावे खातिर बेबी तू इतना हाइपर काहे होतो हां जो भी वो आग बुझावे वाला काम करन हम दोनों मिलके कइले रहली हमार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे तू काहे टसले तू इतना शांत हो जा अगर शांत हो जे तब हमके कुछ सोचे के मौका मिली तू कुछ ना सोच सकेला सोचे के होखत ना बहुत पहले सोच सके छुकता कबो सोच ले पड़ा कि अगर वो बुढ़िया जाके सबके बता दे ली कि तोहार हमार अफेयर बदल का होगी हमार शादी तो ऋषभ से टूट जाई लेकिन करण और प्रीता की ये भी समझ में आ जाई कि जे तू प्रीता से शादी करत रहला ना वो सिर्फ कुछ चाल रहे और कुछ ना वो छोड़ा
हमनी पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के केस लग जाई। तू जाने लगी ना वो ऋषभ, करण और प्रीता सबके अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के केस में जाए। हमनी हमनी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, हमनी हमेशा जेल में सड़त रह, हमनी के सारा प्लान खराब हो जाए। ये सब बात तू सोचे बड़ा ना, अपन इंटेलिजेंट वाला बात सोचत रहेला। और तू जस्ट शट अप ओके। कब से कर ले चुप रह चुप रह चुप रह, लेकिन ना तो बोलो जरा लो, बोलो जरा, बोलो जरा लो। हां चुप रहो तो हम कुछ सोच पाए बेटा, लेकिन ना बोल 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 के हमार दिमाग कर रहा था बना दे लो, हमार दिमाग काम कैल बंद कर दे ले। सरला जी, हम जानते हैं कि आज के दिन आपके खातिर बहुत ही खास रहे, और आज ही के दिन ऐसा हादसा हो गई, आपके दिल पर का बीतरल हुई हम अच्छा तरह समझ सकते हैं। हौसला रखी बहन जी, आप अकेले ना हैं, हम सब हैं आपके साथ, एक परिवार के जैसा ही हैं हम लोग ना। और रहल बात जानकी के, तो जानकी के इलाज हम शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से करवाई, ओकर तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, आप टेंशन मत ले। राखी जी, आपके इतना सोचे ही हमारे खातिर बहुत ही बड़ बात बा, लेकिन आप टेंशन मत ली, अभी डॉक्टर साहब कहलन ना हमने के इंतजार करे के पड़ी, सुबह तक शायद सब ठीक हो जाए, और अगर फिर भी जरूरत पड़ल तो मदद खातिर ही हम जरूर आपके बताई, पर फिलहाल के लिए तो इंतजार ही करे के पड़ी, जैसन डॉक्टर कहलन तो फिर आपके तकलीफ देव। ये पृथ्वी कहाँ बा, ना घर के अंदर रहे ना यहाँ दिखाई दे रहा बा, गई तो कहाँ गई। सच कही राखी जी, था आप बहुत अच्छा बानी, जितना अच्छा बानी ओकरा से भी अच्छा आप रखे, हमने के मुसीबत के समय में आप और आपके परिवार हमारा साथ खड़ा रहन। हम सिर्फ कहे खातिर ना कह रहल बानी, सच में आप लोग के अपन परिवार माने नहीं। बिल्कुल सही कहनी आप, हम एगो परिवार जैसन ही तही, यही खातिर कोनो भी मुश्किल आए, कोनो भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज बेझिझक हमके फोन करी, दिन हो चाहे रात हो बिल्कुल हिचक ही मत। राखी बेटा, आपके दिल वाकई बहुत ही बड़ बा, आपके परिवार हमेशा हमारे साथ दे ले हा। और हमनी बदला में आपके का देनी, जब देखनी टेंशन परेशानी अब आज ही के बाद देख ली, दोनों बच्चा अपन जान के परवाह कैल बिना आग में कूद गई, उनकर ही एहसान हम कैसे उतार पाई। नाना दादी जी, आप कैसे बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल अपन बच्चा खातिर दुखी ना है, कहे की हम जानत है हमार दुन्नू बेटा बहुत ही बहादुर है। हाँ बीच में थोड़ा सा फिकर हो गए रहे उनकरा खातिर, लेकिन वो सब ठीक बाना, भगवान की लाख लाख शुक्र बाकी सब कुछ ठीक हो गयी। सच कही दादी जी, ताम के दुख हो रहा बात आप प्रीता खातिर, आज अगर जिंदगी के इतना बड़ दिन रहे और आज ही के दिन ये बेचारी के इतना दुख और दर्द सह के पड़ल, वो देख के अच्छा ना लागल। भाभी ये दुख चिंता के बाद हम निकल कर, अब सॉरी हम थोड़ा रूखी बात कर रहल बानी, पर आज ऋषभ और करण के साथ जौन कुछ बहलू हमने सब जाने नहीं, काफी टेंशन से हमने भी गुजर ले बानी, थक गए बानी, बेहतर ये हो कि हमने घर चल के तनी आराम करी, काफी लेट भी हो गए बा। भाभी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अब वाकई बहुत देर हो चुकल बा, अब आप लोग अपन घर जाए ठीक बा। सरला जी, कोनो भी किस्म के भी तकलीफ आधे रात के भी हो जाए ना, तो निसंकोच हमके फोन जरूर करी, हिचकिचाई मत। हम कार में वेट कर रहे बानी, आ जाए। अच्छा बेटा, एक बात कही, तू एगो बहुते बहादुर लेकी बाड़ू, हमके पता चलल किचन में आग देखे के बावजूद तो वहाँ से भागे के बिल्कुल कोशिश ना कैलू तू, बेटा आग बुझावे में लागल रहलू, एगो ऐसन काम तो एगो बहुते बहादुर हौसले वाला इंसान ही कर सकेला, भगवान तो के ढेर सारा खुशी दे बेटा, शाबाश। हम चलत है, सबके ध्यान रखिया। बाय सृष्टि, टेक केयर। सरला जी, आपकी और हमार बीच के कुछ बात अधूरा रह गई बा, हम आपस में मिलके कोनो और दिन बात कर ले, आज के टेंशन थोड़ा सा थम जाए। हम चलत है, नमस्ते। बाय बाय शशि, बाय आंटी, बाय दादी।
टेक केयर। डोंट वरी, हम सबके ख्याल रखब। हमार मतलब रहे तू अपन ख्याल रखिया। पता ना ये ड्राइवर कहाँ रह गई, अब तक आईल काहे ना। ये लोग बिना बस अपन मनमानी ही करत रहे ले, पता ना का करे ले। करण, ये करण कहाँ रह गई, कहाँ रह गई बेटा? कार, वेयर इज कार? बस अभी अबते ही हुई। ये पृथ्वी कहाँ बा, ना घर के अंदर रहे ना यहाँ दिखाई दे रहल बा, गई तो कहाँ गई? अरे हटा, तू हमेशा मस्ती करत रहेला, ओला गाड़ी आ गई। आप लोग चली, करण तू लेके चला, हम आवता नहीं, हमार गाड़ी आवती। चल ओ गॉड, अभी मैसेज की भी रिप्लाई ना कर रहल, कहाँ पीसी बा, आखिर कर का रहल भाई? हम अपन पर्स भूल गए बानी, हम दो मिनट में आवतानी। इजे हम इंजेक्शन लगेनी हा, एका से धुआं के असर कम हो जाए। हमें लगे कि कुछ घंटा में या यूं कहीं तक कल सुबह तक इनका होश आ सकेला। सिर्फ जानकी के ना, वो ऋषभ, करण और प्रीता सबके अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जाए भाई, हमनी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, हमनी हमेशा जेल में सड़प, हमनी के सारा प्लान खराब हो जाए। कबो एकरा बारे में तू सोच ले बड़ा ना, ऐसा हम हरगिज ना होवे देव, नेवर एवर। कर रहल बड़ा आज रात की तैयारी? हाँ, मतलब? एक सेकंड, बेबी आज ही के रात के वक्त हमरा पास, डॉक्टर कह रहे ना कि सुबह तक वो जानकी के होश आ जाए, और तू ही कह रहे हो कि एक बार अगर होश आ गई तो अपन मुंह खोल दे और हमारा पर्दाफाश कर दी, और अगर वो मुंह खोल दे तो हम बर्बाद हो जाए, हमार सारा प्लान सब कुछ खत्म। तो ये खातिर आज रात के ही वक्त सुबह होवे से पहले कोनो भी तरह वो जानकी के मुंह बंद करे के होई। तू सीधे सीधा कहा, बोले का चाहेला? जब सारा लोग सो जाए तो हम चुपके से घर में जाके और वो जानकी के मर्डर कहते कहते सब लोग के यही लगे कि वो बेहोश रहे और बेहोशी में ही वो तू तो सही कले रहो। हाँ, मोकरा जिंदा छोड़ के बहुत बड़ गलती कही देगी, आग के कम करे के बजाय आग के बड़ा कहे वही आग में ओकरा जला के राख कर देवे के चाहत रहे। पर कोनो बात ना, हमरा से गलती जो भइल है हम ओकरा आज सुधारब, आज रात के, कहे कि कल सुबह होवे से पहले जानकी के दहिंड हो जाए। ना जानो, अगर हमने अंदर जाए ना वो बहुत रिस्की बा, अभी तो बुढ़िया के सिर्फ 60% चांसेस बा होश में आवे के, लेकिन अगर हमने अंदर पकड़ल गई नहीं तो हमने 100% मर जाए, हमें रिक्स ना ले सकी नहीं। चला जानकी से पहले हमरा का मार दे बतू। बेबी I'm so sorry. हमके पता ही ना चला हम का करत रहली, तो के हट करी का हम। हाँ देखा, अब हम ना हट करे ना, तो के तू ठीक तो हो ना? I'm sorry कि हम तोहर प्लान के गलत बोलनी। It's okay baby, हम जानत थे कि तो के अपन गलती के एहसास हो चुकल है, so it's really okay। वैसे बताओ ना तो के हमार प्लान कैसे लागल? अच्छा बा, पक्का? लेकिन कैसे करबा, आगे का सोच ले बड़ा। बेबी हम अंदर जाके रास्ता ढूंढत रहली, एक्चुअली ये जितना भी खिड़की है ना वो अंदर से बंद है, डबल लॉक लगल है, तो अभी हमके अंदर जाके हुई चुपके से और सारा खिड़की के खोल के बाहर आवे के, ताकि जब जब सब लोग सो जाए तब हमके चुपके से घर में एंट्री करके
उ जानकी के काम तमाम करे के होई। ओ गॉड, ई तो बहुत रिस्की हुई, लेकिन पृथ्वी से एक बात कहता फिर से गुस्सा हो जाई, मार ही डाली हमरा के। बेबी बेबी एक बात पूछी, बेबी तू पक्का ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हार चेहरा से लगा था कि तू काफी डरत हो। आई एम रियली सॉरी, हम तो से कली ना, हमके ना पता चल बेबी तू हमारे से प्यार तो करत हो ना। हाँ, तू तो हमार लाइफ के सबसे स्पेशल सबसे प्रेशियस गिफ्ट बड़ा। लव यू बेबी। ऋषभ प्रीता के तो अंदाजा भी ना हुई कि हम का चीज है, शैतान के पाप है हम, द रियल रेवेल। माँ, मामा जी के फोन रहे, जानकी आंटी के लेके बहुत ही परेशान हुआ तरले, हम उनका कह देले हैं कि डॉक्टर कह ले हैं कि सुबह तक ठीक हो जाए। अच्छा कहलू तो, हाँ कपो परेशान तो होगी ना, पता ना जानकी के होश आयल की ना, बाकी सब यहाँ कैसन। अच्छा कहलू तो ओकरा के बता दे लो। सृष्टि माँ चला, अब ये परेशानी वाला चेहरा हटा दा, हमके हिम्मत से काम लेवे के पड़ी। अब सृष्टि उठा चल, दादी कमरा रेडी कर दे, वरना वो अंदर जानकी आंटी के साथ ही बैठल रही हैं, उनका भी तो आराम करे के बाना। जा। हाँ, हम कर देता नहीं। ना अभी कर दे जाके। माँ उठी चली। हाँ, माँ की भी आराम करे था। उठी उठी, अरे उठी चली चल। अरे ये शैलिन की पर्स बाना, भूल गई बड़ी यहाँ पे। सृष्टि बाहर हुई, जा फटाफट जाके दे दे। हम उस शर्लिन के पीछे दौड़ के होकर पर्स लौटावे जाई। अरे ओकर नाम लेते ही ना हमरा के गुस्सा आवेला, ये पर्स के ना हम गटर में फेंक दे। एक चुप करा, चल चल तू ना, चल अब उठा, दादी के कमरा ठीक करा। अच्छा शर्लिन, ऋषभ जी, प्रीता जी। ओ शर्लिन अपन पर्स भूल गेला ले। गॉड, कभी लंबा मनहूस रात खत्म हुई, ये मिडिल क्लास लोगन के चेहरा देख देख के ना हम बोर हो गए बानी। आई एम सिक। ओ पर्स ढूंढने खातिर अंदर गेल रहे। अंदर जी कोनो और रूम में चल गेल हुई हम जाके। प्रीता जी, हमरा आपके ई बोले के तो जरूरत नहीं है ना कि आपके कोनो बात की जरूरत पड़े तो हम आपके साथ बानी। ई बात आपके हमके समझावे की बिल्कुल जरूरत ना बा। इनफैक्ट जब वो कोनो मुसीबत आवेला या ऐसा कोनो सिचुएशन आवेला, हम हमेशा तो आपके कॉल करत हैं। हम अब आखिर अब कौन हमारी मदद करे? आई नो, कहीं ना कहीं हमने के एगो कनेक्शन तो बा जेकरा वजह से हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड बानी। हाँ, हम आपके बता ना सकेनी ऋषभ जी। आज जब आप दोनों आँख ना खोलत रहले ना, हम तो बहुत डर के रहनी। प्रीता जी, हम आपके बतानी पहले, हमरा आपके आँख में आंसू कबो अच्छा ना लगेला। लेकिन एगो बात बा, ये जो आपके क्यूट से स्माइल बा ना, एकर हम बहुत बड़ा फैन बानी। बस आप ऐसे ही मुस्कुरात रहीं, अच्छा लगे नहीं। थैंक यू ऋषभ जी। एक बात और, आप उस आग में फंस गए रहनी और हमने के तनी स्ट्रेस से गुजरे के पड़ल, ये बात के गिल्ट बिल्कुल भी मत ले। आपके पता बा हमरा खातिर ये बहुत अनमोल तजुर्बा रहे, जोन शायद हमरा साथे जिंदगी भर रही। मतलब आप तब बहुत सारा, अगर हमरा के वो आग में आपके साथ जले के भी जरूरत पड़ल रही ना, तो हमरा कोनो अफसोस ना रहला। सच आई मीन करण भी रहला न ओजा, आप तो नहीं दबानी हमरा दिल के सबसे करीब द। ओह गॉड, ये लड़की भी ना, दो मिनट यहाँ वहाँ भइल ना हम कि ऋषभ के पास आके चिपक जाले। और ऋषभ जी, हमार पर्स ना मिल रहल। हाँ वो हमरा लगे बा, तू अंदर छोड़ देले रालू। थैंक यू। हमने चली, काफी लेट हो गई बा। यस हम हिम्मत करके बोलते थे नहीं, लेकिन का प्रीता जी की हमरा बात से कोनो अंदाजा भइल हो कि हमरा दिल में कितना गहरा फीलिंग बा उनकरा खातिर। जी, आप इतना यहाँ पर अकेला काहे खड़ा है?
का सोच रहे आप? कुछ ना, चले चले थे। ओहो बीजी, आपके आवे के का जरूरत रहे? अब सृष्टि आपके कमरा भी ठीक कर देनी, आप कपड़ा बदल के सो जाई थी ना। अरे सूत जाए तो फिर पर सरला, पर जानकी की हालत देखल ना जाला, भगवान करेगा जल्दी होश आ जाए। सही बोल रल बनी आप दादू, उना घर में घूम के पकड़ पकड़ करत रहेली ना, वह अच्छा लाखेला। हमार मतलब कि वो जब आस पास रहेली तो हंसी खुशी के माहौल रहेला तो अच्छा लाखेला, और वैसे भी वो केहू के बोले कहाँ देवेली, खुदे बोलत रहेली। जानकी जी कहाँ बड़े? हमार मतलब उनका होश आ गई? ना ना, उनका होश ना है, लेकिन हमनी सोचने के अंदर कमरा में ले चला था, नहीं आराम से लेट जाई। जानकी के कमरा कौन हुए? आप बेटा, आप खड़ा काहे बानी बैठी ना? बैठी बेटा। जी आंटी। बैठा। तोहर मम्मी पापा खैरियत से घर पहुंच गए ले का? जी दादी जी पहुंच गए ले। एक्चुअली जाए के ना चाहते ले, काहे के उनका आप सबके बहुत फिक्र होते है, पर हम ही उनका कहले कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है तो आपके घर जाके चाहिए और आराम करे के चाहिए, ये खातिर चल गए ले। आप बहुत समझदारी के काम करे, सच में आप इतना समझदार बानी ना कि प्रीता खातिर आपके चुनकर हम कौनो गलती ना कही। थैंक यू आंटी। पृथ्वी जी, रात बहुत हो गई बा और आज सबके खातिर एग्जॉस्टिंग दिन रहे, आप लागत बा के सब कुछ ठीक हो जाए, आप भी घर जाए आराम करे कुछ। हाँ आई थिंक यू आर राइट, बट आज के दिन काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे सब खातिर, और ये स्ट्रेस के वजह ना हमके हेडेक हो रहा। इफ यू डोंट माइंड एक कप चाय मिल जाए तो? हाँ प्रीता बेटा, चाय बना ले। हाँ हाँ श्योर, आप ये ना ना बेटा, तो सिर्फ इनका खातिर बना था। जब तक चाय बनी हम क्या हमारा काम करे क्या, लेकिन ओकरा खातिर ही जरूरी है कि सारा औरत हमके अकेला छोड़ दे। आप सब लोग काफ़ी थक गए हो ना, आज काफ़ी भाग दौड़ की वजह से सबके बहुत स्ट्रेस हो। सो दादी जी आप प्लीज़ जाके आराम करें, एंड सृष्टि डोंट यू वांट टू फ्रेश ना? हाँ चेंज करे के बा हम रखे भूल गई नहीं, थैंक यू मामा, हम आवतानी चेंज करके। अरे अच्छा जा। दादी जी हम आपके आपके कमरा तक ले चलते हैं, आइए। बीजी, ओहो बीजी कहा करता नहीं आप, आपके चक्कर आ गए ना, हम कहले रनी ना आप दवाई खा के सो जाए, बेटा हम ले जाता नहीं। प्रीता चाय लावत हो कि आप गरम गरम चाय पी। हाँ जी आंटी जी। पृथ्वी जी इली। कल ऋषभ जी घर पे आए रहे और वो सृष्टि और हमके इंसिस्ट कहले कि हमें जॉब रिज्यूम कर ली। वाओ डंबो डंबो के डंबो भाई, अब तू और के? ओ तू ऐसा बात दोबारा मत कर दिया, डंबो हमको कह के कौन जरूरत आबा, जस्ट बिकॉज वो इतना सिंपल सीधा साधा बा मतलब तू का डंबो हमको करबा, ही इज नॉट अ डंबो। ओके थैंक यू। ओके ना कहो। इतना जल्दी मान गई? दिन ब दिन हमार बेटा सुधरत जा रहल बा, का बात बा, लव यू बेटा। का भाई डंबो? अब देखा अब्बा, अभी हम आग से निकल के एल्बा नहीं, अब तू हमरा पे आग मत बरसाओ। ओके चल गुड नाइट। अच्छा सुन, तोरा अब प्रीता कैसन लागेली? कैसन बात कर तेरा भाई, भगवान के कसम हम प्रीता के नजर से कबू नहीं की देखले, मरोइबा का। हमरा से इसे जनरली पूछता नहीं यार, कैसन लागेली? कोनो बात होके चाहे ना होके बस ओकर जिक्र होके। मतलब कबो कबो हमनी के लाइफ में कोनो इंसान इतना इम्पोर्टेंट हो जाला कि हमनी के पता ही ना चलेला, बस बात बात में उनका नाम मेंशन हो ही जाला। ऐसन का? सचो में सीरियसली? सीरियसली भाई आप सही जाता नहीं। तू तू पगला गेल बारे से हमी हम ओकरा बारे में कहें सोचब, सी बसु दिन भर आस पास रहेली खातिर
She is always there in the mind. तब आदत से हो गई बा। और कुछ ना? एक बात बताओ भाई। आप प्रीता के लिए कितना पॉजिटिव काहे बनी? चल चल। हम काहे उकरा खातिर पॉजिटिव हो यार। अब केहू से भी शादी करूँ? अच्छा, शादी है? अबे चुप रहा ना तो लगाई बेक। कहाँ हम सच में प्रीता के लिए पॉजिटिव बनी? No यार। What rubbish? ऐसे कैसे हो सकेला? No ways. Impossible. अरे यार ये लोग हमरा के अकेला काहे नहीं के छोड़त कुछ देर खातिर। जब देखा कोनो कोनो सामने ही रहला। अरे जौन काम के आयल है वो करी तो करी कैसे? आप पृथ्वी जी, हम एक मिनट आएंगे। या श्योर, टेक योर टाइम। यू राइट टाइम। हाँ, हम जल्दी से चाबी उठा लेते हैं। ना, हम बस कोनो खिड़की खोल देते हैं। अगर केहो चाबी उठावत देख ले तो का जवाब दे? कोनो एगो खिड़की के हल्का से खोल देते हैं। ये आप का करतानी?